अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शेफ फैसल हुसैन आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। बर्गर्स और सैंडविचेस खाने के तो हर कोई शौकीन होता है, लेकिन इसकी सॉसेज के बारे में किसी को नहीं पता। जो बर्गर्स और सैंडविचेस में मेन चीज़ होती है जिससे आपको टेस्ट आता है, वो उसकी सॉसेज होती है जिससे आपको सैंडविचेस और बर्गर पसंद आते हैं। तो मैं आपको आज ऐसी 10 सॉसेज बनाऊंगा जो अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर बर्गर और सैंडविच के अंदर डाली जाती है, जो आप इजीली अपने घर पे बनाएं और रेस्टोरेंट का मज़ा आप अपने घर पे ले सकते हैं। सबसे मेन जो की इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपकी मायनीज। मैं जो मायनीज यूज़ कर रहा हूँ वो यंग सी रियल मायनीज है। आप भी इसे यूज़ करें अगर मेरी रेसिपीज़ को आप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मायनीज डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स में आती है। मैं यहाँ बहुत सारी किस्म की मायनीज चेक कर चुका हूँ, अक्सर मायनीज बहुत खट्टी होती हैं, अक्सर मायनीज में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यंग्स की मायनीज यूज़ करें, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की मायनीज है, हर अच्छा रेस्टोरेंट इसे ही यूज़ कर रहा है। तो चले हम बिना टाइम ज़ाया किए वो 10 रेसिपीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 10 किस्म की सॉसेस रेडी हो चुकी हैं। आपने ये सॉसेस अपने घर पे लाजमी ट्राई करनी है और फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको ये सॉसेस कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए अपने शेफ़ फैसल हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।